गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो पिछली क्लास में हमने बात की थी आपका जो कोर्स है बेनिफिशियल इंसेक्ट मैनेजमेंट का, इसमें हमने हनी बी के बारे में पढ़ लिया था डिटेल में। आज हम बात करेंगे जो आपका नेक्स्ट पेस्ट जो है, सॉरी इंसेक्ट जो है, सिल्क मॉथ। सिल्क मॉथ, ठीक है, सिल्क मॉथ को बोलते हैं रेशम कीट, रेशम स्लब या फिर रेशम कीट, ठीक है। जैसा कि नाम से ही पता है रेशम कीट, यानी कि ये कीट जो है हमें किस प्रकार फ़ायदेमंद है, क्योंकि इससे क्या मिलता है, रेशम मिलता है। देखिए, इसको सेरीकल्चर भी बोला जाता है, रेशम कीट के पालन जो होता है वो क्या कहलाता है, सेरीकल्चर या रेशम कीट पालन जिसको बोलते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे साइंटिफिक नेम की। इसका साइंटिफिक नेम होता है बॉम्बेक्स मुराई, फैमिली होती है इसकी बॉम्बिसिडी, और ऑर्डर होता है इसका लेपिडोप्टेरा। लेपिडोप्टेरा ऑर्डर होता है, इसका मतलब क्या होता है कि उसमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है। लाइफ साइकिल के अंदर 4 स्टेज होती है, एग लार्वा या फिर जिसको बोलते हैं कैटरपिलर, प्यूपा और एडल्ट, ठीक है, ये 4 स्टेज जो है वो पाई जाती है। फिर देखिए कुछ डेफिनेशंस बता देता हूँ मैं आपको स्टार्टिंग में। सबसे पहले बात तो कि ये जो मलबरी प्लांट जो होता है, ठीक है, मलबरी बोलते हैं सहतूत को, सहतूत का जो पौधा होता है। तो देखिए, सहतूत जो है इसके ऊपर जब हम इसकी जो कल्टीवेशन की जाती है उसको क्या बोलते हैं, मोरीकल्चर। द कल्टीवेशन ऑफ द मलबरी प्लांट्स क्या कहलाती है, मोरीकल्चर। इससे मिलती जुलती जो है डेफिनेशन है आर्बोरीकल्चर की। आर्बोरीकल्चर में क्या होता है, कल्टीवेशन करते हैं नॉन मलबरी प्लांट्स का, यानी कि इस मलबरी के अलावा, सहतूत के अलावा जितने भी बच गए वो सारे क्या आएंगे, वो आएंगे आर्बोरीकल्चर में। कल्टीवेशन ऑफ फूड प्लांट्स ऑफ नॉन मलबरी प्लांट्स, यानी कि नॉन मलबरी प्लांट्स जो मलबरी के अलावा जितने भी बच गए वो किस में आ जाएंगे, आर्बोरीकल्चर में। अब देखिए, इसके बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, यानी कि इसका जो है आर्थिक दृष्टि से क्या महत्व है, उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, हनी बी जो है वो सबसे ज़्यादा फायदेमंद है, उसके बाद सेकंड नंबर पे जो नाम आता है वो किसका आता है, इसी का आता है, सिल्क वर्म का, ठीक है। ये किस प्रकार इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे हमें क्या मिलती है, सिल्क, यानी कि हमें इससे रेशम प्राप्त होता है। और रेशम का मेनली अगर बात करें तो किस में काम आता है, ये कपड़े बनाने का जो उद्योग है, कपड़े जिसमें बनाए जाते हैं, या फिर बात करें रेशम से क्या किए जाते हैं, कपड़े बनाए जाते हैं, तो इसलिए ये क्या है, इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, इसके अलावा अगर बात करें तो इसकी जो स्पीसीज होती है उसमें एक स्पीसीज होती है टसर सिल्क की, है ना। वो जो इसका जो प्यूपा होता है, या बात करें जो कैटरपिलर होता है, उससे क्या है, ऑयल भी मिलता है, जिसका क्या है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस होता है। बाकी मेनली अगर बात करें मेजर, तो वो क्या है, इसका कपड़े के जो उद्योग है उनमें काम आता है, सिल्क जो है, ठीक है, रेशम कीट में। अब देखिए, अगर बात करें सबसे पहले इसका जो महत्व है, ये आज का नहीं, बहुत पुराना है, ठीक है, स्टार्टिंग से इसका एक ही यूज़ होता रहा है कपड़े बनाने में। अब देखिए, फिर बात करते हैं सिल्क की, यानी कि रेशम क्या होता है, रेशम क्या होता है इसके बारे में बात करिए। तो देखिए, जो अभी हमने जो बात की थी बॉम्बेक्स मुराई की, यानी कि जो ये रेशम कीट है, रेशम कीट जो है ये क्या करता है, इसकी जब कैटरपिलर स्टेज होती है, कैटरपिलर अवस्था जब होती है, है ना, लार्वा जिसको बोलते हैं, तो ये लार्वा के बाद, यानी कि लार्वा के जस्ट बाद जब प्यूपा बनने वाला होता है, तब ये कौन सी स्टेज में होता है, फिफ्थ इंस्टार में, यानी कि इसके लार्वा की फिफ्थ इंस्टार जो स्टेज होती है उसके अंदर ये क्या करता है, ये सिल्क जो है उसको प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है, यानी कि इस समय क्या होता है, सिल्क का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। और ये क्या करते हैं, ये अपनी चारों ओर, यानी कि फिफ्थ इंस्टार का जो लार्वा होगा, कैटरपिलर होगा, वो क्या करेगा, अपनी बॉडी के चारों ओर, अराउंड बॉडी, बॉडी के चारों ओर ये क्या करेगा, ये जो रेशम के धागे होते हैं, है ना, सिल्क जो रेशम के धागे होते हैं, इन धागों से क्या करेगा, अपने चारों ओर क्या बनाएगा, कोकून बनाएगा, है ना। जैसे मान लीजिए ये जो है कैटरपिलर है, तो ये क्या करेगा, लास्ट स्टेज में क्या करेगा, अपनी बॉडी के चारों ओर इस प्रकार से क्या है, रेशम के जो धागे होते हैं उनमें
उनसे इस प्रकार अपने आप को कवर कर लेता है और क्या बनाता है, एक कोकून बनाता है। ठीक है, ये जो कोकून जो बनता है ये पूरा का पूरा किसका होता है, सिर्फ एक सिंगल थ्रेड का होता है, यानी कि क्या होता है उसमें सिंगल थ्रेड या बात करें एकल धागा होता है। एकल धागा होता है यानी कि इसमें कहीं भी जो है जॉइंट नहीं होता, लेकिन बाद में क्या किया जाता है, इसको जब अलग करते हैं तब इसको काट लिया जाता है या फिर अलग भी निकाला जा सकता है, रीलिंग जिसको बोलते हैं, निकालने के बाद इसको एक साथ मिला के जो है थोड़ी सी मोटाई बढ़ाने के लिए एक साथ मिला के बाद में इसको क्या करते हैं, एक सिंगल बना लेते हैं थोड़ा मजबूत करने के लिए। और ये जो प्राप्त कैसे होता है, देखिए रेशम, ये जो प्यूपा होता है इस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ता है, इसको मारना पड़ता है, यानी कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो मलबरी जो प्लांट होता है ना, उसके ऊपर इसकी रेयरिंग करेंगे। रेयरिंग करने का मतलब इसको पालेंगे, इसके लिए जो है हम ऑप्टिमम जो है इन्वायरमेंट इसको प्रदान करेंगे, होस्ट प्लांट इसको देंगे। जब ये प्यूपा में बदल जाता है उस समय हम क्या करते हैं, इन प्यूपा को निकाल लेते हैं, यहाँ से उठा लेते हैं और इसके बाद इसको गर्म पानी में डाल के या फिर किसी अदर मेथड से क्या करते हैं, हम इसको किल कर देते हैं। क्योंकि अगर इसको किल नहीं करेंगे तो थोड़े समय बाद क्या होता है कि ये जो बनाया है इसने कोकून, इसको काट के और बाहर निकल जाता है, काट के बाहर निकल जाता है और क्या बन जाता है, एडल्ट बन जाता है, जो हमारे किसी काम का नहीं होता। हमें जो सिल्क मिलता है वो इसी कोकून से ही मिलता है। ठीक है, तो इस दौरान हम क्या करते हैं, इसको कट कर देते हैं, यानी कि इसको किल कर देंगे। किल करने के बाद ये धागा जो है इसको निकाल लिया जाता है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले अगर बात करें इसकी, तो चाइना जो कंट्री है, चाइना जो देश है, सबसे पहले इन्होंने क्या है स्टार्ट किया था रेशम कीट का जो है पालन, लगभग 2697 ईस्वी पूर्व, ठीक है, इन्होंने जो है स्टार्ट किया था इसका पालन। और कम से कम मान के चलिए आप लगभग 2500 वर्ष तक, यानी कि 2500 वर्ष तक इन्होंने क्या है इसको कहीं भी एक्सपोज नहीं किया, यानी कि इस न्यूज़ को इन्होंने बाहर ही नहीं आने दिया कि रेशम कीट कुछ होता है उस और उससे जो है इस प्रकार हम कुछ बना सकते हैं। तो ये इनकी मोनोपोली थी, और यहाँ तक कि ये कहा गया था कि अगर कोई इसको जो है एक्सपोज करता है तो उसको क्या है मार दिया जाएगा। तो इस तरीके से क्या इन्होंने जो है इसकी रेयरिंग को या फिर बात करें इसके प्रोडक्शन को छुपा के रखा था। लेकिन फिर क्या हुआ, एक देश से क्या है दो राहगीर गए थे, ठीक है, जो क्या करते हैं धर्म का ज्ञान जो देते रहते हैं ना, ऐसे दो व्यक्ति गए थे चाइना के अंदर। वहाँ जाके इन्होंने क्या किया, पूरी इसकी स्टडी की, उन्होंने देखा कि ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है। और ये क्या है, धीरे से इन्होंने क्या किया, अपना जो भी थैला वगैरह था उसके अंदर क्या है इसके जो है एग्स जो है वो डाल के ये ले आए थे। इसके बाद क्या धीरे धीरे ये पूरे विश्व के अंदर जो है वो फैलने लग गया। अगर अब की बात करें तो चाइना अब भी क्या है प्रोडक्शन में सबसे ऊपर है, फर्स्ट नंबर पे है, लेकिन इंडिया जो है वो दूसरे नंबर पे है चाइना के बाद। लेकिन क्या है, इंडिया जो है एकमात्र ऐसी जो है कंट्री है जिसके अंदर सभी प्रकार की 5-6 टाइप की जितनी भी रेशम होती है वो सभी प्रकार की पाई जाती है, ऐसी एकमात्र कंट्री है इंडिया। ठीक है, तो इस प्रकार जो है ये रेशम कीट का कैसे जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर आया वो है, और मेन तो ये है कि ये मिलता कैसे है, कैसे इसको हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए सिल्क वर्म की स्पीशीज़ के बारे में बात करते हैं, इसकी जातियाँ या टाइप्स ऑफ जो है स्पीशीज़ की कौन कौन सी इसकी जो है जातियाँ होती है। तो सबसे पहले देखिए, ये देखिए टाइप ऑफ स्पीसीज, फिर इसका साइंटिफिक नेम एंड फैमिली है, फिर इसका होस्ट यानी कि पोषक पौधे जो है वो कौन सा है। ठीक है, पोषक पौधे जो है वो कौन से हैं, फिर कौन कौन से राज्य है जहाँ पे इनकी कल्टीवेशन होती है, या फिर इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट थिंग है। तो देखिए सबसे पहले तो मलबरी सिल्क की बात करेंगे। ठीक है, मलबरी जो क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया था शहतूत के ऊपर जो पालन होता है वो होता है, तो मलबरी सिल्क बोलते हैं इसको। कलर जो होता है इसका, ये यहाँ पे जो सेकंड दिया गया है ना ब्रैकेट के अंदर, ये क्या है जो है इंडिकेट करता है इसके कलर को, है ना, ये क्या है इसका कलर है, तो वाइट या क्रीमी इसका कलर होता है जो धागा होता है उसका रेशम का। ठीक है, साइंटिफिक नेम होता है इसका बॉम्बेक्स मोराई, और फैमिली होती है इसकी बॉम्बेसिडी। ठीक है, फिर देखिए होस्ट की बात करें तो मलबरी प्लांट मैंने अभी आपको बताया, यानी कि जो सहतूत होता है,
वो इसका होस्ट होता है। इसके बाद देखिए इसके स्पीसीज़ की बात करें तो मोरिस एल्बा, मोरिस इंडिका, मोरिस सेराटा एंड मोरिस लेटिफोलिया, ये जो क्या है स्पीसीज़ है इसकी, जो है मलबरी प्लांट की, जिनके ऊपर इसकी कल्टीवेशन की जाती है या रेयरिंग की जाती है। प्रोड्यूसिंग स्टेट देखिए कर्नाटका और आंध्र प्रदेश जो है, इनमें इनकी जो है व्यापक स्तर पर जो है खेती की जाती है। नेक्स्ट देखिए सेकेंड है ट्रॉपिकल टसर सिल्क। ट्रॉपिकल का मतलब क्या होता है, उष्ण, यानी कि जहाँ पर टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा रहता है। कॉपरिश कलर की, यानी कि तांबे जैसा जो क्या है इसका रंग होता है, तांबे जैसा। साइंटिफिक नेम होता है इसका एंथेरिया माइलिटा। फैमिली होती है इसकी स्टर्निडी। देखिए ये जो बॉम्बे सिडी है ये अलग, एक बॉम्बेक्स मोराई जो है सिर्फ इसी की फैमिली क्या होती है बॉम्बे सिडी, बाकी जितने भी टाइप के उन सब की फैमिली क्या है सेम ही है। ये क्या है फैमिली है जो बाद में ब्रैकेट में दिया गया है आपको, ये क्या है इसकी फैमिली है सब में। तो बॉम्बे सिडी होती है बॉम्बेक्स मोराई की, बाकी सब की क्या है स्टर्निडी फैमिली है। अब देखिए होस्ट प्लांट्स की बात करें तो आसान हो गया टर्मिनेलिया टोमेंटोसा, या फिर अर्जुन का जो पेड़ होता है टर्मिनेलिया जो है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए साल जो होता है सोरिया रोबस्टा, या फिर बेर जो होता है जिजिफिस जुजुबी, है ना। तो इन सब के ऊपर क्या किया जाता है इसकी कल्टीवेशन की जाती है, खेती की जाती है। स्टेट की अगर बात करें तो देखिए झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश, यहाँ पे क्या की जाती है इसकी जो है वो कल्टीवेशन की जाती है। फिर देखिए नेक्स्ट थर्ड नंबर पे है ओक टसर। ओक का मतलब क्या होता है आग, है ना। ओक टसर ये क्या होती है टेम्परेट रीजन की होती है, होती ये भी टसर है तो कलर वगैरह सेम होता है, लेकिन ये क्या होती है कम टेम्परेचर, टेम्परेचर जो है वो लो जहाँ पे होता है उसमें होती है ओक टसर, पहाड़ी जो बात करें अगर एरिया होता है। अब देखिए एंथेरिया प्रोलेई और एंथेरिया रोयलेई एंड एंथेरिया जो है परनी, ये सारे क्या है इसके साइंटिफिक नेम है। इसके अलावा देखिए स्टर्निडी जो है इसके क्या है फैमिली है। फिर बात करें अगर होस्ट की तो वो तो ओक हो ही गया, क्वर्कस स्पीसीज और सब हिमालयन बेल्ट जो होता है, यानी कि हिमालयन जो हिमालयन के आसपास वाला जो रीजन होता है वहाँ पे क्या होती है इसकी कल्टीवेशन की जाती है। फिर नेक्स्ट देखिए फोर नंबर पे है एरी सिल्क, इसको एंडी या फिर एरेंडी सिल्क भी बोलते हैं। इसका कलर भी क्या होता है वाइट कलर होता है, इसका कलर क्या होता है सेम होता है कॉपरिश कलर जैसा इसका था। अब देखिए इसके बाद अगर बात करें इसके साइंटिफिक नेम की तो सेमिया सिंथिया, सेमिया एंथिया और फाइलोसेमिया रिसिनी, ठीक है ये सारे क्या है इसकी स्पीसीज होती है सिल्कवर्म की। स्टर्निडी फैमिली है इसकी भी। और इसके अगर होस्ट प्लांट की बात करें तो इसका होस्ट प्लांट क्या होता है कैस्टर या फिर अरंडी रिसिनस कॉमिनस, इसीलिए इसको क्या एंडी या एरंडी भी बोलते हैं, एरी सिल्क बोलते हैं इसको। सबसे ज़्यादा जो है इसकी रेयरिंग किस पे होती है कैस्टर पे ही होती है। अब देखिए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो है ना, यानी कि उत्तरी पूर्वी जो स्टेट्स हैं बिहार वेस्ट बंगाल उड़ीसा, इन सब में क्या होता है इसकी रेयरिंग होती है, इसको पाला जाता है प्रोडक्शन होता है। फिर देखिए इसकी अगर खास बात की बात करें तो ये क्या होता है कि बाकी सब में जो है धागे जो होते हैं वो काफ़ी लेंथ में बड़े होते हैं, इसके जो धागे हैं वो क्या है टुकड़ों में मिलते हैं। देखिए सिल्क प्रोड्यूस इन स्मॉल पार्ट्स, यानी कि क्या होता है छोटे छोटे टुकड़ों में हमें क्या है इसकी सिल्क मिलती है। और मेन बात क्या है बाकी सब में क्या होता है प्यूपा को किल करने की आवश्यकता होती है, इसमें प्यूपा को किल नहीं करना पड़ता, क्योंकि अगर ये उसको कोकून को काट के निकल भी जाता है तब भी क्या है हम इससे क्या है जो सिल्क है उसको प्राप्त कर सकते हैं। किलिंग ऑफ प्यूपा इज नॉट कंपलसरी, यानी कि प्यूपा को मारना कंपलसरी नहीं है, आवश्यक नहीं है, ऐसे ही हम प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए फिर है मूंगा सिल्क, गोल्डन येलो कलर के इसके जो है फाइबर होते हैं, है ना, रेशे होते हैं। एंथेरिया एसएमएनसिस, स्टर्निडी फैमिली होती है इसकी भी। प्लांट की अगर बात करें तो सोम और शोला जो प्लांट होते हैं, है ना, पर्सिया बोमेसिना एंड लेट्सिया पोलियंथा, तो ये जो प्लांट्स होते हैं इनके ऊपर इसकी रेडिंग की जाती है। स्टेट्स की बात करें तो असम बिहार उड़ीसा और वेस्ट बंगाल जो स्टेट है यहाँ पे इसकी क्या होती है कल्टीवेशन होती है, खेती होती है, इसको पाला जाता है। फिर देखिए वैसे देखा जाए तो ये क्या है बस पांच स्पीशीज है जो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इंडिया के अंदर ये एकमात्र कंट्री है जिसके अंदर पांचों के पांचों टाइप के होते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए देवमूंगा इसी का टाइप है, ठीक है, थायोपेलो रिलिजियोसा
मेचिलिस और फाइकस जो प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर रेयरिंग होती है, यूपी उत्तर प्रदेश और हिमालयन रीजन जो है जहाँ पे इसकी रेयरिंग होती है। अब इसकी देखिए, इसका जो सिल्क होता है, रेशम जो होता है, वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है। रफ़ का मतलब क्या होता है, यानी कि खुरदरा होता है, प्लस स्वीट यानी कि मीठा होता है, यानी कि इसका धागा जो होगा वो क्या है, स्ट्रॉन्ग होगा। रफ़ यानी कि खुरदरा होता है, पूरा जो है स्मूथ नहीं होता जैसा कि रेशम का होना चाहिए, और स्वीट होता है, थोड़ा सा उसमें क्या होती है, स्वीटनेस होती है। तो ये सारे क्या है, इसकी स्पीसीज है, ठीक है, सिल्कवर्म की स्पीसीज इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देख लेना सबको। इसके बाद देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ, बाकी अपने नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इसके जो है नेचर की, या फिर इसके लाइफ साइकिल की, कि इसके लाइफ साइकिल में क्या क्या होता है उन सब की। तो सबसे पहले देखिए कि चाइना, अभी मैंने आपको बताया था कि चाइना जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सिल्क का वर्ल्ड के अंदर, ठीक है, विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा, और सेकेंड नंबर पर कौन आता है, इंडिया। फिर देखिए, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ सिल्क इन द वर्ल्ड। प्रोड्यूसर तो कौन है, यानी कि उत्पादक कौन है, चाइना, और सबसे ज़्यादा इसको कंज्यूम कौन कर रहा है, यानी कि उपभोग कौन कर रहा है, इंडिया, यानी कि रेशम का सबसे ज़्यादा उपभोग कहाँ होता है, इंडिया में होता है। फिर देखिए, इंडिया इज़ दी ओनली कंट्री, एकमात्र जो है इंडिया ऐसी कंट्री है जो क्या करती है, प्रोड्यूस ऑल दी कॉमर्शियल टाइप्स ऑफ सिल्क, यानी कि सभी जो व्यापारिक लेवल के जितने भी सिल्क है उसकी सब प्रकार की खेती की जाती है, इंडिया एकमात्र ऐसी कंट्री है। फिर देखिए, इंडिया के पास क्या है, मोनोपोली है इन द प्रोडक्शन ऑफ मूंगा सिल्क, यानी कि मूंगा सिल्क जो होती है इसके प्रोडक्शन की इंडिया के पास क्या है, मोनोपोली है, जो मेनली कहाँ होती है, असम में होती है। तो इसकी क्या मोनोपोली, मोनोपोली होने का मतलब क्या हो गया, यानी कि इंडिया के अलावा और कहीं भी ये ग्रो नहीं होता। मलबरी और एरी सिल्क, अब देखिए रेयरिंग जो होती है इसकी दो टाइप की होती है, एक तो होती है इंडोर और एक होती है आउटडोर्स। आउटडोर का मतलब तो क्या हो गया, नेचुरल कंडीशन में, यानी कि प्राकृतिक कंडीशन में हम क्या करते हैं, उसको रेयरिंग करते हैं। इंडोर्स का मतलब क्या है, यानी कि आप कहीं लेबोरेटरी वगैरह में या फिर किसी छत के नीचे भी जो है इनकी रेयरिंग कर सकते हैं। तो मलबरी और एरी सिल्क जो होती है इनको इंडोर में रेयर किया जा सकता है, और टसर एंड मूंगा जो सिल्क होती है ये कहाँ रेयर होती है, आउटडोर्स में, यानी कि नेचुरल कंडीशन में इनको रेयर किया जाता है, पाला जाता है। फिर देखिए, अगर प्रोटीन की बात करें तो सिल्क वर्म, सिल्क जो होती है उसके अंदर एक तो फिब्रोइन और सेरिसिन दो टाइप की प्रोटीन होती है, जो कि वेट के आधार पर देखा जाए तो 75% और 25% होती है रिस्पेक्टली, यानी कि 75% कौन सी होती है, फिब्रोइन, और सेरिसिन होती है 25%। तो ये क्या होती है, प्रोटीन होती है इस रेशम के अंदर, ठीक है, वेट बेसिस पे। फिर देखिए, एक दो प्रोसेस है, स्टिफलिंग, स्टिफलिंग किसको बोलते हैं, जो प्यूपा होता है ना उसको मारने की जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है, स्टिफलिंग। किलिंग ऑफ प्यूपा ऑफ सिल्क वर्म इन द कोकून, यानी कि कोकून के अंदर जब वो होते हैं उसी समय उस प्यूपा को किल करना क्या कहलाता है, स्टिफलिंग। ये पूछा जाता है, ये डेफिनेशन ध्यान रखना भी, रीलिंग ये भी इंपॉर्टेंट है। इस प्यूपा को किल करने के बाद इसके ऊपर से जो रेशम के धागे हटाए जाते हैं उनको अलग किया जाता है, वो क्या कहलाता है, रीलिंग, रील बनाना उसकी, यानी कि द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द थ्रेड्स फ्रॉम द किल्ड कोकून, यानी कि मरे हुए कोकून से धागे निकालना, थ्रेड्स का मतलब क्या होता है, धागे, धागों को अलग करना क्या कहलाता है, रीलिंग कहलाता है। फिर देखिए, इंडिया जो है, इंडियन सिल्क बाल की अगर बात करें तो वो कितनी होती है, 50 किलोग्राम की पर बाल, यानी कि 1 मेल होती है, ठीक है, जैसे कॉटन के अंदर होती है ना, कॉटन के अंदर होती है, और इसके अलावा किस में होती है, मेस्टा के अंदर होती है, जूट के अंदर होती है ना, वैसे ही क्या है, इसके अंदर भी एक बेल जो होती है वो कितनी की मानी जाती है, 50 किलोग्राम की। ओके, तो आज का अपना ये लेक्चर कंप्लीट होता है, इसके बाद कल हम बात करेंगे इसके बारे में, इसके नेचर के बारे में, या फिर इसके लाइफ साइकिल के बारे में, क्या क्या स्टेज होती है और कितने टाइम का इसका लाइफ साइकिल होता है। ओके, थैंक यू, कितनी मीटिंग।